यस गुड मॉर्निंग। पिछहत्तर करने ने बेटा आपां, ठीक है? पिछहत्तर आपां पहलां कितने हुए सीगे? पहले 10, अज आपां करांगे 11 तो भी, ठीक है? सो पिछहत्तर के नूं कहंदे ने मूल शब्दां दे पिछे लगण वाले नूं आपां की कहंदे हां? पिछहत्तर कहंदे हां, ठीक है? सो जदों आपां मूल शब्द नालों पिछहत्तर जिहड़ा शब्द दित्ता होया उहनूं आपां अलग कर भी दईए तां उह वी इक मीनिंग हुंदा उसदा, ठीक है? ते ओ जड़े पिछेतर आपा लगा के बनाने हाँ मूल शब्द दे नाल, ओ भी एक नवा ते एक सार्थक शब्द हुंदा। सार्थक मतलब जेदा कोई मतलब होवे। सो पिछेतर या अगेतर करन लगे यही ध्यान रखीदा है कि जदों आपा मूल शब्द नालों जड़ा गिवन शब्द है असी निखेड़ भी दिने हाँ ते ओदा भी मतलब हुंदा है। पर कई इस तरह दे सिचुएशंस आंदियां ने जिहदे विच ओदा अलग मतलब नहीं दिता जांदा, ठीक है? पर अपने आप विच बाद विच एक सार्थक शब्द बन जाता है, ठीक है? सो तुहानू हुण सब्जेक्टिव होने के कारण पिछेत्र पूछे जा सकते ने। कोई दो पिछेत्र या कोई दो अगेत्र नहीं, ठीक है? दो दो लर्न करने ने, पर जरूरी है कि तुसी ज्यादा लर्न कर लो, ठीक है? कई बार कुछ माइंड विचों दी वर्ड निकल जाता है तो सानू दूसरा याद आ जाता है, राइट? सो 11th है अत्तण, ठीक है? उसी कर रहे से लाइन लगा के, ओके? इधर आपा लिख रहे से नवा ते सार्थक शब्द, इधर आपा लिख रहे से पिछेतर, ठीक है? उसी तरह ही तुसी प्रॉपर लाइन दे विच ही लिखना है। दो थोड़ी बुक ते दित्ते हुए नहीं, अगर किसी ने एक्स्ट्रा आंदा होएगा देन प्लीज रेज योर हैंड। 69, ठीक है? 69 मतलब कौड़ापन, ठीक है? प्रद्यक वी है, राइट? कौड़ा प्लस अत्तन, कुड़त्तन। सेकंड है पिलत्तन, ठीक है? हुण देखो ये कंडीशन दे विच चलो कौड़ा तो बन गया अत्तन, है ना? जे आपां कून नूं अलग कर दिए तो उहदा फिलहाल इन्ना मतलब कोई नहीं है। इस तरह ही जे आपां अत्तन विचों दी पिलत्तन हुण आपां इहनूं दूर कीता ते पिल दा अपना मतलब नहीं है, पर यह एक जुड़ के एक नवा ते सार्थक शब्द बन गया। सो काफी कंडीशंस विच एदां भी हुंदा है कि जेदे विच आपां मूल शब्द दा मतलब सही तरीके नाल नहीं कढ सकदे, ठीक है? पर उह बाद विच एक नवा ते सार्थक शब्द बनना जरूर चाहीदा है, ठीक है? नेक्स्ट 12th है अहरा, ठीक है? एक अहरा, एक प्लस अहरा, एक अहरा सिंगल, सुनहरा दुसहरा, दुसहरा 10 सिरां वाला आप कहते हैं ना, ता ही आप जरा है दुसहरा सेलिब्रेट करते हाँ कि रावण दे 10 सिर सन, इसलिए आप कहने हाँ दुसहरा, ठीक है? नेक्स्ट 13 आंख, ठीक है? दौड़ाक, दौड़ प्लस आंख तैराक, ये भी दो ने एक्स आंदा है तो मैं दस दो तुसी दौड़ाक ते तैराक, ठीक है? कई बुक्स विच वैसे चलाक भी लिखा हुंदा है, राइट? चल प्लस आप चलाक, बट यस सर शीन, मैम मैं दे दो लिखे हुए ने चलाक ते बलाक। चलाक ते बलाक ब्लॉक, अच्छा जड़ा ब्लॉक, ओके ब्लॉक, बल प्लस आख, ठीक है? ठीक यस मैम। है, ओके, ठीक है, राइट? सो देखो ए वाली कंडीशन च भी हुन तैर, तैर दा मतलब अपना है आंख लग गया तैराक, ठीक है? चलाक ते बलाक ए दो इस तरह दे ने जिहदे विच आपां मूल शब्द नूं अलग करिए तो उहदा मतलब नहीं बन रहा, पर एक नवा ते सार्थक शब्द उह रच रहे ने, ठीक है? नेक्स्ट है आना 14, इहदे बहुत सारे बन रहे ने, ठीक है? शुक्र प्लस आना शुकराना, ठीक है? एक आपां एक अंग भी कीते सी जफरनामा, जिहदे विच तुहानूं मैं जफरनामा दे अलग अलग मतलब दस्सिया सी, जफर प्लस नामा, ठीक है?
नहीं वो आई थिंक नामा विच आएगा, वो आना विच नहीं आएगा, सॉरी ठीक है आना। ओके जालमाना, सलाना, नजराना, दोस्ताना, दस्ताना, मस्ताना, सूफियाना, कातलाना, ठीक है बहुत सारे बन रहे मेरे, शुक्राना, दोस्ताना, ठीक है। एक गल याद रखियो, कई बार बच्चे की करते हैं ख ते अ दे विच ओ कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे ने, ठीक है फिर एदी थां ते ओ खाना वाले लिखते रहते हैं, राइट। नजराना, सूफियाना, ठीक है इस तरह ही काफी सारे वर्ड ने आना दे। नेक्स्ट है आनी, आनी दा जिस्मानी, जिस्म प्लस, ठीक है आनी जिस्मानी, नूरानी, नूर चेहरे दा नूर प्लस आनी नूरानी, ठीक है और रूहानी, बर्फानी, रूह साड़ी जड़ी आत्मा होंदी है, ठीक है बर्फानी, पूरी बर्फानी पई हुई है, बहुत ज्यादा बर्फ पै रही है, जिंदगानी, मर्दानी, जवानी, दवानी, ठीक है। पर कोशिश करा करो इस तरह के पहला जो दो शब्द लिखने ने ना वो इदा के लिखो कि जिदा तुसी श्योर होवो, ठीक है जिस तरह उधर चलाक है, ब्लॉक है, एदी जगह ते तुसी ए वाले दो लर्न कर लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। कई बार होंदा है कि एग्जामिनर जो तो चेक करता है तो कई बार जड़े उन्होंने फोकस करो जिन्हों का अपने आप में अगर आप मूल शब्द के नालों निखेड़ते भी हाँ तो भी कोई ना कोई मतलब जरूर हो। वैसे तो बुक में लिखे ने इदा की गलत करन दी तो वैसे है नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी अपने वालों तुसी सेफ साइड रखा करो, ठीक है। नैक्सट है आणी, आणी दे विच जिन्ने लिंग बदलों विच आंदे ने जिस तरह चौधराणी हो गया, खतरी तो खतराणी हो गया, नौकराणी हो गया, डॉक्टराणी हो गया, ठीक है ये तुसी सारे लिख सकते हो, राइट। दराणी या द्योराणी, हुण जरूरी नहीं इहदे विच ऐड़ा आवे ही आवे, ऐड़े दी साउंड आ रही है, ठीक है। नौकराणी, डॉक्टराणी, डॉक्टर नी भी ठीक है, डॉक्टराणी भी ठीक है, दोनों तरीके नाल ठीक है। खतराणी, ठीक है जेठाणी, चौधराणी, पंडितानी, कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आरा, आरा बनजारा, ठीक है बनजारा, इहदे विच मूल शब्द वणज, वणज मतलब व्यापार करन वाला, आरा बनजारा, ठीक है। इसे तरह ही चमकारा है, चमक प्लस आरा, चलकारा, हुलारा, चमकारा, चलकारा, हुंगारा, हुलारा, राइट। नेक्स्ट आरी, आरी दे विच खेडण वाला, खिडारी, पुजारी, भिखारी, लिखारी, पूजा करन वाला पुजारी, ठीक है लिखन वाला लिखारी, नेक्स्ट 19th है आड़ी, आड़ी दा अगाड़ी, ठीक है अगाड़ी हुंदा अग्गे होण वाला, कई इस तरह के इलाके ने जिहदे विच आपां अगाड़ी बोलदे हाँ, अगाड़ी हो जा मतलब अग्गे हो जा, ठीक है। इसे तरह ही पिछाड़ी, पिछे प्लस आड़ी, दिहाड़ी मतलब जिहड़ी तुहानू डेली वेजेस मिलदे ने, ठीक है देह मतलब दिन, आड़ी दिहाड़ी, ओके। लास्ट
आवा, बुलावा, ठीक है, बुला प्लस आवा, तो अनु किसी का बुलावा आया है, ठीक है, या चढ़ावा, चढ़ प्लस आ, जिहड़ा आपां मंदिर गुरुद्वारे विच कई बार आपां चढ़ावा दिंदे हाँ, ठीक है, दिखावा, दिखा प्लस आवा, दिखावा, ठीक है, ओके। सो ये आपां हाले फिलहाल 10 ही करने ने, साइड बाय साइड आपां इन्हां नूं करदे जावांगे, इसे तरह ही नेक्स्ट टाइम आपां अगेतर कर लवांगे, ठीक है। सो इन्हां नूं 10-10 नूं ही तुसीं लर्न करो ते ईजी रहेगा, राइट, ठीक है। कहानीकार है वरियाम सिंह संधू। हुण अंग संग दा मतलब की है, एनीवन, जदों समान अर्थ कीते सी उहदे विच आपां ये भी वर्ड लैके आने ना अंग संग, ठीक है, क्योंकि ये समासी शब्द है, पिछे हाइफन लगा होया है, समासी चिन्ह लगा होया है, सो अंग संग दा मतलब। हाँ जी गुरसिमर, वेरी मैम क्लोज रहना। गुड, ठीक है, गुड, राइट। सो अंग संग का मतलब है नेड़े तेड़े रहना, जिदा आप कह रहे ना परमात्मा साढ़े अंग संग है, मतलब परमात्मा साढ़े नेड़े ही है, साढ़े आस पास ही है, ठीक है। सो इस कहानी दे विच भी एक मुख पात्र है, मुख पात्र का नाम अमरीक सिंह, ठीक है, मुख पात्र है अमरीक सिंह, ते ओनो लगदा है कि ओदा जिहड़ा पिता है, हुण पिता दा नाम की है, करतार सिंह, पिता करतार सिंह, अमरीक सिंह अपने पिता करतार सिंह नूं, क्योंकि हर किसी लिए अपने जिहड़े पेरेंट्स हुंदे ने वो एक आदर्श हुंदे ने, सेम अमरीक सिंह लिए करतार सिंह एक आदर्श सी, ओदे ओ नक्शे कदम ते चलदा सी, ठीक है। ओनू लगदा सीगा कि ओदा जिहड़ा पिता है वो खेतीबाड़ी का काम करता है, अमरीक सिंह एक सरकारी मुलाजम से सरकारी नौकरी करता है, ते एनू अमरीक सिंह नू लगदा सीगा कि ओदा जिहड़ा पिता है करतार सिंह वो अमरीक सिंह भी अपने घर विच काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता सी, ठीक है, तो लगता सीगा कि ओदा पिता ओनू कदी तंग नहीं करता, ते सारा अपनी जिन्ने भी कबीलदारी है, कबीलदारी कहिंदे आ कि जिदा ओदे बच्चे सारे उन्हें ब्याह दिते सन, ठीक है। करतार सिंह दे दो बेटे सन, अमरीक सिंह ते एक ओदा भरा सी महिंदर, ठीक है, महिंदर, अमरीक सिंह ते महिंदर सिंह, ये दोनों भरा सन, ठीक है, ते करतार सिंह पिता ते माता जगीर कौर, ठीक है, माता सी जगीर कौर, जगी जागीर लिखा होया है इतने, कन्ना पाया होया, ठीक है, जागीर कौर। हुण अमरीक सिंह नूं लगदा सी कि ओदे पिता ओदे नाल हमेशा रहिंदे ने, ओदे अंग संग रहिंदे ने, ठीक है, ते उहने इहनां दीआं दो भैणां सन, भैणां दे नाम नहीं लिखे हुए, अमरीक सिंह महिंदर सिंह ते दो भैणां सन, ते करतार सिंह ने अपने जीउंदे जी दोनों बच्चियां दा ब्याह कर दित्ता सी, ठीक है, मतलब ओहनूं कबीलदारी तों अमरीक सिंह नूं बिल्कुल ही फ्री कर दित्ता सी। अमरीक सिंह बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग सी, मेहनती सी, सरकारी मुलाजम सी, ते महेंद्र सिंह जड़ा सी वो नशे पत्ते करता सी, कोई काम नहीं सी करता, वेला ही रहिंदा सीगा, ठीक है, ते करतार सिंह भी शराब वगैरह पींदा सी, नशे करता सी, पर ये गल हले तक अमरीक सिंह नूं इन्नी चंगी तरह ना नहीं पता सी कि वो बहुत ज्यादा नशे करता है, ठीक है, ते पहला वो अपने पिता नूं अपने अंग संग महसूस करता सीगा कि ओहदा पिता ओहदे अंग संग ही है, ओहदे नाल खड़ा है, सारी कबीलदारी उन्हें नजिठ ली है, ठीक है, ते ओहदे सिर ते कोई भी बोझ नहीं है, क्योंकि हुंदा है ना कि आपां फिर भी सोचदे हाँ कि कुड़ियां दा विआह जिन्नी देर तक या मुंडे कदे सैट नहीं हुंदे उन्नी देर तक पेरेंट्स नूं रहिंदा है कि साडी जिहड़ी कबीलदारी है हले तक वो पूरी नहीं हुई, हले भी काम जिहड़े ने वो पेंडिंग ने, ठीक है, ते इन्हों लगता सी कि मेरे प्यो ने मेरे सिर पर कोई कर्जा नहीं रखा होया, पर जदों ए प्यो की डैथ हो जाती है क्योंकि शराब पींदा सी नशे करता सी, तां करतार सिंह की मौत हो गई, उस तो बाद विच अमरीक सिंह नूं पता लगा कि ए पिता ने करतार सिंह ने की किया है, जिन्हों अपना एक आदर्श मनता सी, जिहड़ी जमीन है, ठीक है, काफी इन्हें अद्धी जमीन जिहड़ी सी वह अपनी भैन मतलब अमरीक सिंह की भूआ दीआं कुड़ियां दे विआह ते इन्हें
गहने पा दिती सी, गहने मतलब हुंदा गिरवी रख दिती सी। ठीक है, ते हुण उहनूं लगदा सीगा कि एंड विच सारा परिवार शुक्र करदा है, ठीक है, कि वह करतार सिंह जड़ा है वह पहला ही चल गया, नहीं तो जिहड़ी बाकी दी जिन्नी भी जमीन सी वह भी ना कितने गहने पा जाता, तो जे वह गहने पा जाता तो फिर सारी उम्र वह कर्जा देंदे रहिंदे ते सारी उम्र वह लोगों दी गल्लां सुनते रहिंदे। ठीक है, इसलिए बाद विच उहनूं रिलाइज हुंदा है कि शुक्र है कि मेरे पिता जी जड़े हन वह सही समय ते चले गए, नहीं तो जिन्नी भी बाकी जमीन सी वह भी गहने पा के जाते। ठीक है, सो कहानी का टाइटल अंग संग अमरीक सिंह दे है नाल कि अमरीक सिंह नूं हमेशा लगदा सीगा कि उहदा पिता उहदे नाल ही रहिंदा है, जदों भी उह याद करदा सी अपने पिता दीआं गल्लां उहनूं हमेशा लगदा सीगा कि उहदे पिता दे नाल उहदा काफ़ी सारा प्यार सी, तां लगदा सीगा कि मेरे पिता मेरे नाल ही हमेशा रहिंदे हन। ठीक है, सो इस कहानी का यह टाइटल है। कई बारी बेटा की हुंदा है कि कहानी का टाइटल जिहड़ा है ना वह जिहड़ा इहदा सिरलेख है वह ढुकवां है या नहीं है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इसलिए आपां सिरलेख भी डिस्कस करना हुंदा है। ठीक है, कि सिरलेख का मतलब की है टाइटल। ठीक है, सो पहला जिहड़े नेमिंग वर्ड्स ने ना इन्हां नूं तुसीं हमेशा एक साइड ते लिख लिया करो कि पात्र किहड़े किहड़े ने कहानी विच। ठीक है, सो पात्र जदों तुहानूं क्लीयर होणगे तो ईजी रहिंदा है। पहला आपां लेखक बारे पढ़ लईए। पंजाबी साहित विच लंबी कहानी नूं प्रवानगी हासिल कराउण वाले कहानीकार बरियाम सिंह संधू का जन्म 10 सितंबर 1945। ठीक है, 10 सितंबर 1945। तुसी ना इनू नाल नाल ही कर लो। ठीक है, फॉर वन वर्ड राइट, क्यों, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस कंबाइन करके पूछे जा सकते हैं। जन्म कदों होया सी बरियाम सिंह संधू का? 10 सितंबर 1945। लंबी कहानी नूं प्रवानगी हासिल कराउण, लंबी कहानी मतलब ऑलमोस्ट बरियाम सिंह संधू दीआं जिन्नियां भी कहानियां ने वो बहुत ज्यादा लंबियां ने। ठीक है, सो इन्हों सॉरी ये कहानी नूं प्रवानगी मिली हुई सी, मतलब एक इजाजत सी। कित्थे होया सीगा? पिंड चविंडा कलां, जिला अमृतसर, चविंडा। कला अमृतसर। ठीक है, ते पिता का नाम इत्थे लिख लो, जन्म ये पूरा जन्म दे विच आ जाएगा। ठीक है, सेकंड तुसी माता पिता का नाम लिख लो, पिता का नाम है सरदार दीदार सिंह, देखो जो शॉर्ट क्वेश्चंस ने वो तो मैं थोड़ा क्लास में ही करवा रही हूँ, सो घट्टो घट जो शॉर्ट क्वेश्चंस ने वो क्लास में ही होने चाहिए ने। ठीक है, ताकि थोड़ा जो थोड़ा जा बर्डन है वो घट जाए। ओके, माता का नाम है जोगिंदर कौर, राइट, ओ पंजाबी विषय विच एमए एमफिल हन। ठीक है, अगो थर्ड की बन सकता है विद्या, राइट। हुण देखो तुहानूं मैं जिस तरह पहला कहा कि आने तुहानूं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर ही हन, कोई 4 मार्क्स कोई 1 वर्ड नहीं आने। ठीक है, बट अगर जे पाना चाहिए तो किदां आ सकता है बरियाम सिंह संधू का जन्म कदों अते कित्थे होया, इन्हां दे माता पिता का की नाम सी। ठीक है, 2 क्वेश्चंस कंबाइन हो गए, इसलिए मैं तुहानूं कह रही हूँ कि 1 वर्ड भी अपने तैयार करो। ठीक है, हुण इन्हां दी विद्या कीड़ी सीगी, इन्हां ने पंजाबी विषय विच एमए ते एमफिल कीती हुई सी। ठीक है, एमए तो बाद विच एक डिग्री हुंदी है एमफिल दी, वो अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, राइट। वो जलंधर स्थित लायलपुर खालसा कॉलेज विच पंजाबी दे लेक्चरर रहे ते इत्थे ही सेवा मुक्त हुए, सेवा मुक्त मतलब इत्थो ही वो रिटायर हुए सन। फिर अगे तुसी 4th पॉइंट बना सकते हो, किता
ठीक है। किता विच तुसी लिख लो कि लालपुर खालसा कॉलेज विच पंजाबी दे हो लेक्चरर रहे सन, ठीक है। या काम संधू ने अजोके पेंडू जीवन नूं बदलते समाजिक ते आर्थिक हालत विच भोगने पै रहे दुखांत नूं बड़ी शिद्दत नाल चित्रिया है। हुण इहदियां स्टोरीज विच मोस्टली की हुंदा है, आम परिवार इन्हां नूं ही इन्हें आम पात्र लए हुंदे ने इहदी जिंदगी दे विच जिन्ने भी हन, ते आर्थिक हालत नूं, ठीक है, फाइनैंशियल कंडीशन नूं इन्हां ने बयान किया हुंदा है, सोशल उन्हां दी सोशल लाइफ किस तरह की है उहनूं बयान किया हुंदा है, ते मोस्टली दुखांतक हुंदियां ने स्टोरीज, ठीक है। दुखांत क्योंकि आम जिहड़ा आदमी है वह किदां पैसों के गेड़ विच फसिया हुंदा है, ठीक है, ते उहदा समाजिक जिहड़ी सोशल लाइफ है वह भी इन्नी नहीं हुंदी। सो मोस्टली वरियाम सिंह संधू ने इन्हां चीज़ां नूं ही बयान किया है, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट बन जाएगा विशा, कि इहदियां कहानियां का विशा किस तरह का है, ठीक है, किस तरह का है। पेंडू जीवन नूं बदलदे समाजिक ते आर्थिक हालत विच भोगणे पै रहे दुखांत वाला, ठीक है। फिर होर अगों दी देखो विषय विच की हन, छोटी किसानी निमन अते मध्य वर्ग दे किरतियां वल्लों आर्थिक मंदहाली भोगण दे दुखांत नूं संधू ने बड़ी डूंघाई नाल बयान किया है, राइट। जिहड़ा सिकिंड पैरा है ये इन्हां दीआं कहानियां दे विषय हन, ठीक है। होर इन्होंने की किया है, छोटी किसानी जिहड़े किसान जिहड़े छोटे किसान मतलब जिन्हां कोल इन्नी ज़्यादा जमीन जायदाद नहीं हुंदी, ठीक है, पर दो चार किले हुंदे ही हुंदे ने, तो वह भी कई बार वह अपने खर्चियां नूं पूरा करन दे लई उन्हां नूं भी गहने पा देंदे ने, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिहड़े खेतीबाड़ी करदे ने वह सारे रिच होण, ठीक। हुण जदों इंसान अंदोलन सी जदों दिल्ली दे विच लगा सी धरना लगा सी उहदे विच काफ़ी सारे इदां दे किसान सन जिन्हां ने जिहड़ी है हुण जिन्हां दे कोल तां बहुत सारियां जमीनां सन अगले ने ठेकियां ते भी दित्तियां होईयां है ना, उन्होंने भी पार्टिसिपेट वैसे किया, पर उन्होंने नालों ज़्यादा आम जिहड़े लोग आम जिहड़े छोटे किसान सन वह ज़्यादा सन, क्योंकि उन्होंने लगता सीगा कि वह एक तो उन्होंने ठेके ते जमीन लई हुई है, मतलब जमीन उन्होंने खुद की नहीं है, है ना, उत्ते वह फसल उगाते हैं, फिर उत्ते ही उन्होंने टैक्स देना पैंदा है, एक तो उधरों की ठेके की जमीन के पैसे देंदे हैं, तो इधरों की उन्होंने की करना पैंदा है फसल से भी टैक्स लग रहा ज़्यादा, ठीक है। सो उन्होंने ज़्यादा किया उन्होंने कानून के अगेंस्ट बोले सन वह, ठीक है। तो फिर उन्होंने मध्य वर्ग के किरतियां वालों आर्थिक मंदहाली जोड़े किरती सन कामे सन मध्य वर्गी जोड़े मिडल क्लास के नाल स्पैशली बिलोंग करते सन उन्होंने समस्या ये पेश किया है। संधू की साहित्य रचना की सूची लंबी है, बहुत सारिया इन्होंने जड़िया सन किताबा लिखिया सन, उसने चार कहानी संग्रह, ठीक है। फिर सिक्स्थ बन जाएगा इन्हां दीआं रचनावां कहानी संग्रह केड़े केड़े ने, लोहे दे हाथ, अंग संग, भज्जियां बाहां अते चौथी कूट, ये कहानी संग्रह ने। कहानी संग्रह की हुंदा है ते कहानी कल्ली की हुंदी है, एनी वन, इत्थे लिखा ना चार कहानी संग्रह, इहदा मतलब की है पता किसे नूं, टेंथ एट एनसी कहानी संग्रह नो किसे नूं नहीं पता। कहानी संग्रह बेटा हुंदा है कि किन्नियां सारियां कहानियां नूं इकट्ठा करके एक बुक बनाई जांदी है, तो उहनूं एक मेन जिहड़ा टाइटल है मेन सिरलेख दित्ता जांदा है। सो इन्हां दे चार ने, लोहे दे हाथ, अंग संग, भज्जियां बाहां अते चौथी कूट। साहित्य अकादमी दिल्ली ने फिर सैवंथ पॉइंट बन जाएगा पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी दिल्ली ने संधू नु चौथी कूट संग्रह लई साहित्य अकादमी पुरस्कार दिता। इन्हां तो इलावा इस तो इलावा होर इहदियां रचनावां ने, वो तुसी रचनावां वाले च लिख दियो, अलग पॉइंट ना बनायो। संधू ने सफरनामे, ठीक है, कि आपां इत्थों दा सफरनामा किया, ठीक है, उस सफरनामे बारे सारा लिख देना कि तुसी मान लो एक है मेरा पाकिस्तानी सफरनामा, ठीक है, तो बलराज सिंह सानी दा आई थिंक उहदे विच उहने की किया है कि जिन्नियां सारे जिन्हें उन्हें सफरनामे जिथे जिथे हो गया उत्थों उत्थों दियां चंगीआं गल्लां जिहड़ियां उहनूं नहीं चंगीआं लगीआं उह वालीआं गल्लां, सो उहनूं आपां कहिंदे सफरनामा। एक जीवनी,
तीन आलोचना दियां पुस्तकां भी लिखिया हन। आलोचना मतलब इसने क्रिटिसाइज किया है कि लिटरेचर विच शायद ये वाली गल उन्हूं चंगी नहीं लगी, वह वाले पॉइंट नूं लैके उन्हें डिस्कस किया है। ठीक है, सो इहदियां ये वालियां अलग रचनावां ने। क्लियर है? सो ये जिहड़े वन वर्ड क्वेश्चन ने इन्हां नूं तुसीं इदां ही जिदां मैं पॉइंट बनाए ने इन्हां नूं पॉइंट्स विच ही लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म च चाहे ना लिखा करो, इन्हां नूं पॉइंट्स की फॉर्म च लिख लिया करो, सो दैट तुहानूं क्लीयर हो जाए लेखक बारे भी। ओके, सो 7 पॉइंट आपां बनाने ने। ठीक है, ये सारा थोड़ी बुक विच दिता होया है, अगर फिर भी किसी ने कुछ पूछना है तो मैंने पूछ लो। राइट, स्टोरी आपां कल शुरू करांगे। ठीक है, अंग संग, सो ओहदे विचों दी भी तुसी ध्यान नाल स्टोरी सुननी है। ठीक है, ते ओहदे विचों दी भी 2 मार्क्स वाले काफी सारे क्वेश्चंस निकलणगे, जिस तरह प्रार्थना चैप्टर विचों दे कीते सी, ते ओह सारे तुसी ही मैनूं दसने ने। ठीक है, क्वेश्चन भी तुसी खुद फ्रेम कर सकते हो, आंसर तो तुसी फ्रेम करना ही करना है। ठीक है, सो हर एक पैरे दे विचों दी तुसी क्वेश्चन फ्रेम करना है, एक एक बच्चा फ्रेम करेगा और दूसरा बच्चा आंसर देगा। ठीक है, इसे तरह ही जिहड़ी तुहाडी पार्टिसिपेशन है वो काउंट हो जाएगी। क्लियर है? सो पहला ही जिहड़ी अपनी स्टोरी है रीड करनी शुरू कर दियो और उहदे विचों दी क्वेश्चंस जिहड़े ने उहो लभणे शुरू कर दियो। ठीक है, बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस तो इलावा भी तुहानू क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके,